तो भाई बिल्ली को तो हम ले जाएंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक जगह पर, वहाँ पर जर्मन शेफर्ड की एक फीमेल है, कोच साहब को वो पसंद आई है, अब उसे हम देखने जा रहे हैं। भाई लेने तो हम काली बिल्ली आए थे, लेकिन कोच साहब के दोस्त के पास एक जर्मन शेफर्ड की फीमेल देखने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो जर्मन शेफर्ड की फीमेल है, देखते हैं वो कैसी है। कोच साहब के दोस्त के घर पहुंचते ही हमारा स्वागत करा एक बहुत ही प्यारी फीमेल ने, जिसकी नस्ल गोल्डन रिट्रीवर थी और वो बहुत प्यारी थी। लो भाई अंकल जी के पास कितने सारे कुत्ते हैं, जर्मन शेफर्ड आ चुकी है, लैब्रा भी अंदर गई है। ये आ गई भाई, काटे कूटेगी ना। यार यहाँ पर आने के बाद ना सभी चीजें दिख गई, कबूतर भी दिख गए और जी भाई तीतर भी दिख गए, कुत्ते भी दिख गए। अब है बारी झोटे की। क्या बात है भाई, कितना तगड़ा झोटा है। जर्मन शेफर्ड से मिलने के बाद मैं आ चुका था इस झोटे से मिलने, जो कि मेरा नया शौक हो चुका है। भाई कोच साहब को जर्मन शेफर्ड इतनी पसंद आ गई है, कोच साहब कह रहे हैं कि मैं इसको घर ले जाने वाला हूँ। लो भाई कोच साहब ने ये फीमेल खरीद ली। आज पता नहीं भाई हमारे साथ क्या ही हो रहा है, हम आए तो थे यहाँ पर काली बिल्ली लेने के लिए, उससे पहले हमें रास्ते में कबूतर मिले, घोड़ी मिली, झोटा मिला और बाद में डॉग्स भी मिल गए, जिनमें से एक कोच साहब को पसंद आ गई और उसको लेकर अब हम घर जा रहे हैं। एकदम कूदेगी, एकदम 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 एकदम। अरे अरे अरे, अरे अरे भाई अपने मालिक को कितना मिस कर रही है ये। बस 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 बैठू। अरे चढ़ गई तो तीन बैठ जाएंगे। जर्मन शेफर्ड अपने मालिक को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए वो शांति से स्कूटी पर भी नहीं बैठ रही थी। मुझे पीछे बैठ के ये डर हो रहा था कि कहीं कोच साहब फीमेल को संभालने के चक्कर में स्कूटी गिरा ना दे। कोच साहब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई फाइनली हमें थोड़ी रिदम मिल गई थी और हम जर्मन शेफर्ड को लेकर आगे चल दिए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। यार जर्मन शेफर्ड ना स्कूटी पर बैठने में तो दिक्कत कर रही है, अब हम एक काम कर रहे हैं, इसको ना जहाँ हमारी बिल्ली है वहाँ तक इसको पैदल पैदल ले जा रहे हैं, आराम आराम से। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बस आराम से आराम से। भाई स्कूटी से भी आगे आगे चल रही है तो। अरे भाई बहुत एक्टिव फीमेल है यार ये। क्या बात भैया, चलाओ कैसा कर रहे हो? कोच साहब आराम से चला रहे हैं, फीमेल तेज भाग रही है। अरे भाई ओहो, ये तो घोड़ा है। बस बस बस, हल्का 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 हल्का। क्या बात है क्या बात है, अब आ रहे हैं इसके मजे। भाई हमारी फीमेल देखें यार कैसे चल रही है हमारे साथ। आराम से आराम से। भाई कुत्ते पीछे पड़ गए। ओ भाई साहब, अरे अरे भाई, ओ भाई भाई, ओ कुत्ते पीछे पड़ गए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई कुत्ते पीछे पड़ गए थे यार। जर्मन शेफर्ड बिल्कुल बाल बाल बची थी इन डॉग्स से, कुत्ते लग गए थे यार इसके पीछे। बस यार ये तो अपने मालिक का बड़ा ज्यादा हेयर कर रही है भाई। बस अभी यहाँ पर ये याद कर रही है अपने मालिक को बहुत ज्यादा। जब हम इसको अपने कैनल पर लेकर चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, उनमें घुल मिल कर ना अपने मालिक को शायद भूल जाए। अभी तो इसको बहुत याद आ रही है यार। देखिए भाई रास्ते की तरफ ही देख रही है जहाँ से आई है। भाई अब सबसे मुश्किल काम है अपनी काली बिल्ली को इस वाले पिंजरे से निकाल कर हमें इसमें बंद करना। अंकल जी करेंगे भाई ये काम। पिंजरे में कैसे होगी? अच्छा पिंजरा इसमें रखना पड़ेगा। तू बिल्ली है, ओह भाई बड़ी तरीके से निकालना पड़ेगा इसको, वरना ही भाग भी सकती है। ओहो ओ भाई जाल से जाल मिला दिए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अब इस साइड कर देंगे। बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया जी, बहुत बढ़िया। चलेगी 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 चलेगी। अरे बहुत बढ़िया भाई, देख रहे हैं अंकल जी कितने कारिंदे निकले, बिना पकड़े जाल शिफ्ट कर दिए भाई। कट्टे में बंद करके ले जाओगे क्या? कट्टे में खेल लो शाह। लो भाई बिल्ली इसके अंदर आ चुकी है और ये कट्टा हो गया पैक। बस ये भागने के नहीं है जी। भाई हमारा वाला तीतर ना हमारे पास तो आता ही नहीं था, जाल में टक्कर मारता था ऐसे। और अब अंकल जी देखें, अंकल जी के तीतर इनके पास भी आते हैं। आप देखना भाई, ये क्या बाजरा, आप देखना भाई कैसे आते हैं। अरे वाह यार, हाथ तो खा रहा। बताओ जी, और हमारा वाला तो हमारे पास भी नहीं आता। क्या बात है, देखना भाई कैसे चुग रहा है। भाई सारा का सारा बाजरा खा गया। क्या बात है, ये टेम कर रहा है, खा अंकल जी ने। और ये क्या कर रहा है,
अरे 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 भाई गुस्सा आ रहा है इसको, ये फीमेल के पास जाना चाहता है लेकिन ये जाल में बंद है भाई, देखो गुस्सा देखे इसका और आवाज ये निकाल रहा है। अच्छा जी, पिंजरे को तोड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। अरे भाई साहब देखो भाई, अंकल जी इसको बार बार फीमेल दिखाते हैं और कैसे पूंछ खड़ी कर रहा है अपनी, देखो भाई फीमेल को देख के क्या बात है। ओहो इनके सारे तीतर बोलते हैं, हमारा एक भी नहीं बोलता यार, वैसे हमारे पास एक ही है। ओहो हो तो भाई अब टाइम हो चुका है वापस से कैनल पर चलने का, लेने तो हम बिल्ली आए थे और यहाँ से जर्मन शेफर्ड भी लेकर जा रहे हैं हम। चलिए अंकल नमस्ते, ठीक है भाई मिलते हैं फिर। तो भाई को और अंकल जी को राम राम बोलकर अपनी जर्मन शेफर्ड और बिल्ली को लेकर हम चल दिए थे अपने कैनल की तरफ। तो फाइनली दोस्तों बहुत मुश्किल के बाद ना हम कैनल पर पहुंच गए और वो तो अच्छा हुआ भाई, ये बिल्ली ना इस कट्टे के अंदर बंद थी, अगर ये कट्टा नहीं होता ये बिल्ली पक्का कूद जाती आज, इसने इतनी जान लगाई है ना। और मुझे सच में पता भी नहीं है कि अंदर जाल बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, मेरे ख्याल में टूट चुका है जाल पूरा, क्योंकि इसने इतने पंजे मारे, इतना मुंह मारा है ना, कई बार तो मुझे जूता लगा के यूं संभालना पड़ा वरना ये शायद कट्टा फाड़कर भी बाहर निकल जाती। अब यार इसको जल्दी से बाहर निकालते हैं। हाँ बस 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 चलो जल्दी से इसको अंदर लेकर चलते हैं। यार कोच साहब अपनी जर्मन शेफर्ड का नाम पूछना भूल गए हैं। कोच साहब आराम से, भाई कोच साहब कह रहे हैं कि मैं फीमेल को खोलने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ये भागने की नहीं है। कोच साहब ये यकीन बड़ी गलती में ना बदल जाए, ये बांध भी तो बड़े अजीब तरीके से रखी है। कोच साहब देखो भाई खोल दी, अब देखना जब ये भागेगी ना, अरे तो कहीं भी नहीं जा रही है यार, इन्हें पता नहीं हर चीज की तो जानकारी है, कभी इन्होंने युवराज ऐसी खुला छोड़ दिया था ना वो कहीं भागा था। और देखिए भाई फीमेल यहीं घूमती रहेगी लेकिन जाएगी नहीं कहीं पे। चल भाई भाग जा, मैं भगा दूं कोच साहब इसे नहीं। भाई देख रहे हैं कोच साहब लाड कर रहे हैं तो ये कहीं जाएगी नहीं। देखो भाई हाँ, अरे वाह भाई कहीं भी नहीं जा रही है कोच साहब, अगर इधर को चलते हैं इधर आ जाती है, उधर जाते हैं उधर चली जाती है, लेकिन कहीं नहीं जा रही दूर। यार बहुत समझदार है भाई, वैसे जर्मन शेफर्ड तो खैर एक समझदार नस्ल होती है। भाई कोच साहब फीमेल को लेकर अंदर जा चुके हैं, अब बारी है बिल्ली की अंदर एंट्री करने की। भाई डीवन फीमेल है भाई, फीमेल 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 है यार, फीमेल पे थोड़ी भोकता है तू। हमने जर्मन शेफर्ड को ना D1 के साइड वाले जाल में शिफ्ट कर दिया है और अब वो ना इस वाले पप्पी के साथ रहा करेगी। अब बारी आती है भाई इसकी, बिल्ली की, काली बिल्ली की। भाई अभी ना हम अपनी काली बिल्ली को शिफ्ट करने वाले हैं, भला कहाँ, इन वाले जाल में। यार ये तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, ओहो इनमें से तो पक्का निकल जाएगी वो, पक्का जहां तक मुझे लगता है इनमें से तो पक्का निकल कर भाग जाएगी, लेकिन फिर भी ट्राई तो करना होगा ना यार, उस छोटे पिंजरे में तो बिल्कुल नहीं रह पाएगी। भाई ये पक्का बाहर निकल चुकी है, ये चेक करें भाई, यहाँ पर बिल्ली, यहाँ पर आराम से आराम से आराम से। बस 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 कोच साहब जल्दी आओ, ये बाहर निकल गई बिल्ली, बाहर निकल गई जी। कैसे निकलेगी, चलो निकालो ये, इसका वो खोल दो बस। अरे ऊपर से गिरा देते, ऊपर से चलो करो कैसे करना है, मुझे लग रहा है यहाँ से निकल जाएगी। हाँ निकल, जो छेद हो रहा है निकल जाएगी, छेद को थोड़ा सा बड़ा कर दो। चल भाई चल 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 निकल जाए यहाँ से, कोच साहब ऊपर को ना जाए एकदम से, ऊपर हाथ लगा के रखना एकदम, एकदम भागेगी एकदम एकदम एकदम, बंद कर दो तुम, बंद कर दो, नीचे से तो ना आए कोई जगह। चल भाई निकल जा, चल उए उए आ गई आ गई आ गई आ गई, चल 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 बस 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 भाग जा भाग जा भाग जा, वो सब गेट पर हाथ रखना एकदम, चल तो भाग जा यार, गुस्सा में गुस्सा आ रहा है, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई आ गई काली बिल्ली, काली बिल्ली को फाइनली हमने कैद कर लिया जाल में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज द बिलो रूल, ओवर एंड आउट।